सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ड में। तो मैं फिर से आज रोज का एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के बारे में और साथ ही साथ कुछ नए कोरियन ड्रामे के बारे में जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पर पहली दफा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरह से ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। सो सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के बारे में। तो फाइनली इसकी जो डेट है अब कन्फर्म हो चुकी है कि ये ड्रामा आपको 17 अक्टूबर से हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो ड्रामे को 9.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और इस ड्रामे में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 17 मिनट के अराउंड में रखे प्रेजेंट की गई है। ड्रामा लव रोमांस पे बेस्ड होने वाली है जो कि आपको नेक्स्ट मंथ नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। तो आप इस ड्रामे को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो अगला ड्रामा है जिसका नाम है ग्लिच, ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगी नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर से। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में, ये जो ड्रामा है थ्रिलर मिस्ट्री कॉमेडी साईफाई पे बेस्ड होने वाली है जिसके अंदर आपको टोटल 10 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसकी रनिंग टाइम 50 से 55 मिनट के अराउंड में रखकर प्रेजेंट की जाएगी। बात कीजिए इस ड्रामे के बारे में तो इसके अभी तक हिंदी से रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई, बस थोड़ा सा रूमर से कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करी है कि आपको हिंदी में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा मतलब वक्त है, हो सकता है आपको हिंदी में देखने को मिल भी सकती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि आपको हिंदी में देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये ड्रामा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसमें आपको एलियन बेस्ड स्टोरी देखने को मिलने वाली है, तो ये ड्रामा आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, आप एक्साइटेड हो या नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जो अगला ड्रामा है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि ये कब आएगा और कहाँ पे आएगा, तो फाइनली इससे रिलेटेड मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये ड्रामा इस वीक आपको देखने को मिलने वाला था लेकिन थोड़ा सा डिले हो चुका है क्योंकि इसके फर्स्ट प्रीमियर को लेकर थोड़ा सा झंझट अभी चल रहा है, क्योंकि कई सारे टीवी चैनल वाले चाह रहे कि उसकी जो फर्स्ट प्रीमियर हो उसके चैनल पे हो, इसकी वजह से इसकी रिलीजिंग में थोड़ा सा डिले हो रही है। लेकिन अब देखते हैं ये कहाँ पे रिलीज होती है, टाटा प्ले पे देखने को मिलती है या फिर कहीं और, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना इसकी खेल यानी कि पैसों के खेल है, मतलब जहाँ से मोटा रकम मिलेगा वहीं पर इसकी फर्स्ट प्रीमियर होगी। तो अब देखते ही इसकी फर्स्ट प्रीमियर कहाँ पर होती है और ये ड्रामा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, टाटा प्ले पे देखने को मिलती है या फिर किसी और चैनल पे, ये तो अब कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा जब इसकी जो है मतलब कि डील कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है ये ड्रामा अब इस महीने के एंड तक देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को मिलेगी ये कन्फर्म है। तो इन तीनों में से किस ड्रामे को देखने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के ड्रामे से रिलेटेड आप वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं तो इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।